मजार से दिक्कत है मुस्लिम हिंदू मुस्लिम जो मजारें हटाई जा रही हैं अवैध मजारें उससे दिक्कत है। अवैध मजारें हटाओ हमें क्या दिक्कत है, पर जो दर्ज है जो 400 साल पुरानी है उसको तो ना हटाओ भाई। आप उसमें तो आप लोगों की भावनाओं की कदर करो। जो अवैध जो हिंदू उसमें विरोध कर रहे हैं उस पर अगर सरकार एक्शन लेती है तो आप उसके साथ हैं कि नहीं? अवैध मजारों के साथ हम नहीं हैं, कहीं से लेके कहीं तक नहीं है। मजारों में क्या हो तो मंदिर भी हो चाहे फिर वो हमारा किसी का घर भी हो, एनक्रोचमेंट तो एनक्रोचमेंट है बट वो 400 साल पुरानी है भाई। नहीं 400 साल पुरानी है तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अवैध निर्माण भी जायज है? अरे भाई वो तो जमीन भी उन्हीं की थी, फिर उन लोगों की थी जो उन्होंने दान में थी। चावला जी पूरी स्टडी करो ना पहले डिबेट। आपसे ज्ञान ले रहा हूँ सर, तो मैं ज्ञान दे रहा हूँ, ज्ञान दीजिए ना, मेरे सवाल पर जवाब दीजिए। रवि बहादुर जी ये पीड़ा तब क्यों नहीं होती है जब अवैध निर्माण के रूप में आश्रम गिराए जाते, तब क्यों नहीं आते सामने? कौन से आश्रम गिरा दिया? आश्रम नहीं गिराया गया, आप ये कह रहे हो ना, कौन से दिक्कत मजार से है ना आपको? तो सीधा बोलिए ना, मजार का मामला है, स्टडी करने के ऊपर दिक्कत क्या है? ये निर्माण कैसे बन गया आपके फिर? ये रवि बहादुर जी ये अपना ज्ञान अपने पास रखिए विधायक जी, अगर तिलक चावला के बारे में नहीं जानते तो ज्ञान लीजिए अपने हरीश रावत जी से और यहाँ बैठ के ज्ञान मत झाड़िए। अरे ये तो ट्रेनिंग विधायक ने क्या पता, जितने विधायकी आपकी है उससे ज्यादा अनुभव लेकर बैठा हूं मैं पत्रकारिता का, मुझे मालूम है क्या करते हैं आप लोग। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है।